बोले सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रघुराज सर आपसे शुरुआत करेंगे। जी नमस्कार सर। सर 72 होने रिलीज होने को तैयार है जी। तमाम विवादों से गुजरती हुई फिल्म जो है वो 7 तारीख तक दर्शकों के सामने आएगी जी। परसेप्शन बदलेंगे जाहिर सी बात है 7 तारीख के बाद जब लोग फिल्म देखेंगे। अभी फिलहाल सर करंट सिचुएशन की बात करें तो आपको जब लोग से मुलाकात हो रही है, आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, किस किस तरीके रिस्पॉन्स है और क्या क्या लोग कह रहे हैं सर? देखिए रिस्पॉन्स तो बहुत सराही जा रही है, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा हमको देखने में मिल रहा है सब जगह, चाहे वो आपके मीडिया के जो बंधु हैं उनसे बात हो रही है या हमारे मित्रगण हैं या सुदूर जो हमारे जहाँ से हम बिलोंग करते हैं राजस्थान में, वहाँ के गांव से, छोटे कस्बों से, हमारे शहर से, जहाँ भी हमारे मित्रगण हैं जहाँ बात हो रही है। मेरे पास अभी कल एक मैसेज मुझे मिला एक मेरे मित्र का, जो कि स्कूल में मेरा मित्र था और उसके साथ कुछ पिछले कुछ 35-40 साल से कभी बात नहीं हुई। उसने देखा और उसके बारे में कहा और कहा कि हमारे में इतना उत्साह है यहाँ पे पूरी सब जगह जयपुर शहर में कि हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फिल्म देखने के लिए बहुत आतुर हैं और जल्दी से जल्दी हम फिल्म देखेंगे। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है, चारों तरफ चर्चाएँ हो रही है, हालाँकि कंट्रोवर्सी भी बनाई जा रही है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चर्चा हो रही है एक बड़ी बात है। सबसे पहले चर्चा होना बहुत महत्वपूर्ण है और उससे हम उत्साहित भी हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा चर्चाएं होंगी, क्योंकि किसी भी विषय पे अगर कोई झूठ गढ़ा जाता है तो वो बहुत देर तक टिकता नहीं है, वो झूठ गिरेगा और सच्चाई सामने आएगी और जब फिल्म देखने जाएंगे तो लोग अपना उस बारे में विचार करेंगे और मानेंगे कि हमने जो दिखाया या जो दिखाना जा रहे हैं वो एक अच्छा सामंजस्य है, इसमें मनोरंजन भी होगा, जिसमें एक जानकारी भी होगी कि ऐसे विषय कैसे बनते हैं, आतंकवाद को कैसे बढ़ाया जाता है, उसको कैसे पनपाया जाता है, किन किन माध्यमों का उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल है सर आपसे जी कि बार बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि ये फिल्म आतंकवाद के ऊपर है, ना कि किसी को हम बदनाम करना चाहते हैं या किसी के ऊपर हम इस तरह से कुछ इल्जाम लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा सोशल मीडिया पर कई लोग हैं जो इसको धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और बार बार ये बात कही जा रही है कि नहीं कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। सरप्राइजिंग है, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि टेररिज्म और जो स्टैंड भी होना चाहिए कि टेररिज्म जो है वो एक अलग चीज़ है, उसका किसी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें करके वो खुद ही इसको धर्म से जोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट माई केस, मैंने आज भी मैं यही मेरा स्टैंड है कि फिल्म टेररिज्म की बात कर रही है, हमारे पोस्टर से, टीज़र से, ट्रेलर से, हर चीज़ पर हमने यही मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन जब आप टेररिज्म की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो हैं वो आपको कहनी पड़ती हैं और जब आप संकोच किए बिना उनको उन्हीं शब्दों में कहते हैं तो कुछ लोग असहज हो जाते हैं। फिर हमें टारगेट करने के लिए भले ही उनको या फिल्म को टारगेट करने के लिए भले ही उनको आतंकवाद को जस्टिफाई करना पड़े, वो इस चीज़ पर आमादा आ गए हैं। मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लग रहा है कि धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मैं बात टेररिज्म की कह रहा हूँ और धर्म को वही लोग बीच में लेकर आ रहे हैं जी। सर अभी जैसा कि संसद की भी बात हो रही थी, ट्रेलर को लेकर बात हो रही थी और कुछ दिन पहले उनका उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आया कि हमने मना नहीं किया था संसद देने के लिए, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन की कुछ बातें हुई थी जो सबमिट करने थी, तो सर अभी उस पर कुछ बातें आगे बढ़ी हैं या फिर अब लगता है कि इस चीज़ को छोड़ना चाहिए क्योंकि अब तो रिलीज़ नज़दीक है तो अब थिएट्रिकल रिलीज़ से भी उतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है? देखिए अब क्योंकि 6 दिन बचे हैं आज से फिल्म के रिलीज़ होने के अंदर, तो अब क्या मायने हैं उन चीज़ों के कि अगर आपका ड्यू प्रोसेस जो है वो अभी भी चल रहा है, क्योंकि जब आप ट्रेलर रिलीज़ करना चाहते हैं, हम ऑलरेडी डिजिटल मीडिया के ऊपर ट्रेलर आ गया है, हमारी प्लानिंग थी, काफ़ी सारे थिएटर्स के अंदर हमारे पास में बुकिंग थी जहाँ पर हम ट्रेलर चलाना चाहते थे, वो सारा जो लॉस हुआ हमें, न सिर्फ पैसे का बल्कि फिल्म के जो इम्पैक्ट हम क्रिएट करना चाहते थे वो हम कहीं पर नहीं कर पाए, जो इस रवैये के चलते हमें नहीं मिला कि आप, और हमारा स्टैंड आज भी वही है, हम ये बात कह रहे थे उस दिन भी हमने ये चीज़ कही थी कि जो फिल्म सर्टिफाई हो चुकी है आप उसी फिल्म के शॉट्स को ट्रेलर के अंदर जब लिया जाता है तो उस पर मॉडिफिकेशंस क्यों मांग रहे हैं, क्यों चाहते हैं आप सर्टेन शॉट्स डिलीट कर दिए जाएं, क्यों चाहते हैं आप कि सर्टेन चीज़ें म्यूट कर दी जाएँ, बात वहाँ है जिसके बारे में उन्होंने अभी भी कोई, देखिए
फिल्म अगर सर्टिफाई नहीं होती या फिल्म के बाहर से आपने शॉट्स लिए होते तो मैं उनका ये स्टैंड समझता हूँ, ये फिल्म से लिए गए हैं। और जो उस दिन भी हम बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगर फिल्म के अंदर वो चीज़ सही है तो ट्रेलर में गलत कैसे हो जाती है, इसके बारे में मुझे लगता है कि शायद कोई जवाब के अंदर बात नहीं की गई। हालांकि एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है, मगर जिस मैनर में ये हैंडल किया जाता है वो गलत है। आप एक दिन पहले बताते हैं आपको, वो भी जब आपको ये प्रेस और मीडिया में आ चुका है कि अब अगले दिन ट्रेलर आने वाला है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बिकॉज अभी तक सिर्फ पोस्टर आया है, लोग देखना चाहते हैं फिल्म क्या है, हमें भी जल्दी है थिएटर्स में लोगों के आने से पहले वो जानना चाहेंगे कि फिल्म क्या है ताकि वो निर्णय ले सकें कि ये फिल्म उनको देखनी है या नहीं। तो आप कब तक इंतज़ार करेंगे? आपके पास में 10 दिन 8 दिन से ज़्यादा का वक्त था इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के लिए, और आप फिर एक दिन पहले बताते हैं तो कुछ घंटे बचते हैं आपके पास में उस काम को करने के। तो एक तरीके से आप जो हैं वो उस प्रोसेस के अंदर बाधा डाल रहे हैं। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि फिल्म मेकर्स के लिए सहूलियतें देनी चाहिए आपको, आप उनकी मदद करने के लिए हैं, लेकिन आप तो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये स्टैंड तो आज भी हमारा वहीं पर ही आ जाता है कि ये बात को बोलना कि आप ये शॉर्ट काट दीजिए और फिर हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, बात तो वही है। हम ये बोल रहे हैं कि ये फिल्म के अंदर है तो हम इन्हें क्यों काट दें, ये बात का जस्टिफिकेशन भी ज़रूरी है ना। कि आप अब आप ये बोलेंगे कि ये से, लेकिन नरेटिव में कैसे फ़र्क पड़ जाता है? ट्रेलर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी फिल्म का आ रहा है, सभी के आते हैं, और अगर बाहर से कुछ चीज़ें हों तो समझ में आ सकती हैं ये बातें। देखिए हर व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन अपने पास में कुछ ना कुछ दलीलें तो रखता है, वो भी अपने पक्ष में कुछ ना कुछ चीज़ें तो कहेंगे कि आप ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है या हार्श है या ब्रूटल लगता है, मगर वो फिल्म के अंदर भी हैं, उसे बाहर से नहीं आ रहे हैं, फिल्म सर्टिफाइड है, ये बात तो हमने ऑलरेडी बताई है उनको। तो वो अपने स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने बोला है कि हमने फिल्म को सर्टिफिकेशन दे दिया है, जी बिल्कुल दे दिया है, जिस बात को हम खुद बोल रहे हैं आपसे दिया है, लेकिन आपने ट्रेलर के लिए नहीं दिया, और आपने ये कहा कि आप ये शॉर्ट्स जो हैं शोकेस नोटिस जो बहुत सारी ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने बात की, जिन शॉर्ट्स के उन्होंने रिमूव करने के लिए डिलीट करने के लिए बात की है उनके बारे में बात की, और हमारा स्टैंड वही था कि जो हम आज भी उसी बात को कहते हैं कि हम वो शॉर्ट नहीं डिलीट करना चाहते, वो म्यूट नहीं करना चाहते। सर जैसा इन्होंने बोला कि सपोर्ट की बात, सर हमने देखा है कि जब भी हम देखते हैं कि आतंकवाद की बात होती है या कोई ऐसा मुद्दा उठता है जो समकालीन जो करंट सोसाइटी है जो समाज है उससे जुड़ा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि लोग जो हैं कुछ चुप्पी भी साध लेते हैं, कुछ लोग बात भी नहीं करते, और ऐसे कोई नॉर्मल फिल्में आती हैं, कोई कॉमर्शियल फिल्में आती हैं, उस पर जम के प्रमोशन होता है, लोग सपोर्ट करने आते हैं, तो ये एक दो तरह के लोग लग रहा था, दो चल रहे हैं। नहीं, इसमें हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, माहौल इस देश का ऐसा बनाया हुआ है कि कोई भी चीज़ जो मुस्लिम समुदाय से किसी भी तरह का कोई वास्ता रखती है उसके ऊपर बोलना नहीं है, अगर बोल दिया तो कहर बरपा दिया जाएगा। ये जो धारणा बना दी गई है मुझे ये कभी समझ में नहीं आया कि क्यों बना दी गई है, लेकिन ऐसा है, और उससे बहुत सारे लोग डरते हैं। इससे ये मुझसे ये सवाल अनेकों बार पूछा जा रहा है कि आपने कैसे साहस जुटाया ये फिल्म बनाने का, ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था। हम एक स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र नागरिक हैं, हमको हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में प्रचलित परंपराओं के आधार पर कोई फिल्म बनाता है तो क्या उससे सवाल पूछा जाता है? आप सेंसर की बात कर रहे हैं, क्या फिल्म के अनेकों अनेक ऐसे सीन नहीं है जहाँ पे गीता पे हाथ रख के कसम खाते हुए चोर चक्के मक्कार बेईमान स्मगलर लोगों को दिखाया जाता है कि गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ और वो झूठ भी बोल रहा होता है? क्या कभी सेंसर ने ऐसी किसी फिल्म के किसी ऐसे सीन को डिलीट करने के लिए बोला है या म्यूट करने के लिए बोला है? कुरान का नाम आते ही आप इतने सकपका क्यों जाते हैं, आप इतने घबरा क्यों जाते हैं? तो जब सेंसर बोर्ड के अधिकारी जो कि वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर हैं सिचुएशन से, उनकी ऐसी मानसिकता है, उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव है, तो आम नागरिक जो है वो डरा हुआ है। और हमारा यही कहना कि इस डर से बाहर आने की आवश्यकता है, सच को सच बोलने में परेशानी कहाँ है, नहीं होना चाहिए। और इसी फिल्म में हमने यही प्रयास किया है, चाहे कितना भी लोगों ने रोका, चाहे कितना भी लोगों ने समझाया, लेकिन हमने एक निर्णय कर लिया था कि ये सच बोला जाना चाहिए, ये सच सब लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। अब 7 तारीख को जब फिल्म आ रही है तो हम ये मानते हैं कि सब लोग देखेंगे, सच को देखेंगे, स्वीकार करेंगे, और उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या चीज़ें हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है उस पर विचार करेंगे। जी सर, 7 तारीख को फिल्म आ रही है और रिलीज डेट बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ भारत के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर फिल्म को बैन करने की बात की जा रही है कि रिलीज नहीं होने देना है, ये फिल्म जो है सोसाइटी में जो है अलग अलग थॉट जो लोग रखते हैं
वो ये बातें कहने लगे हैं, तो इस पर कुछ फीडबैक मिला है सर आपको या कुछ ऐसा अभी तक? देखिए, बहुत सारी जगह से ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जम्मू कश्मीर के अंदर ये कहा था या और लोगों ने कहा था। मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी की बातें हैं। आप फिल्म देखिए, और फिल्म देखने के बाद में, या तो आपने फिल्म देखी हो तो इतने श्योर कैसे हैं आप कि ये किसी को टारगेट किया जा रहा है जबकि आपने फिल्म देखी नहीं है? मुझे लगता है ये हमेशा होता है, जब तक आप प्रोडक्ट को देखते नहीं हैं आप अपने तरीके से उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं बिना ये सोचे हुए कि कल आपकी धारणा जो है वो गलत साबित भी हो सकती है, क्योंकि फिल्म आतंकवाद की बात कर रही है तो उस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और भले ही वो असहज करता हो लेकिन उसके ऊपर बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये कहना गलत है, क्योंकि जब फिल्म सेंसर से सर्टिफाइड है तो कोई किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर फिल्म को बैन करने की बात कर सकता है। अच्छा जी, हम अगर बात करें फिल्म आतंकवाद के ऊपर, जैसा आपने बोला, तो फिल्म में कितने पार्ट ऐसे हैं जो रियलिटी से हैं? क्योंकि हमने देखा कुछ इसमें सीन ट्रेलर्स में हमें देख के ऐसा लगा, तो फिल्म देखा नहीं है, कुछ हमें इसमें कुछ आफ्टर देखिए, ये इंस्पिरेशन जो हैं वो क्या है, जब आप फिल्म जो हैं, सिनेमा जो है वो हमेशा समाज से ही प्रेरणा लेता है। समाज को कितनी प्रेरणा देता है वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप आसपास जो चीज़ें देखते हैं आप उनसे प्रभावित होते हैं। और जब क्योंकि फिल्म आतंकवाद की बात कर रही है, मुझे लगता है कि हमारे देश में हमने आतंकवाद के जितने हमले झेले हैं, जितनी घटनाएं यहाँ हुई हैं शायद ही दुनिया में कहीं और हुई हों। और फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। पहले ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित थी, लेकिन अब ये यूरोप और अमेरिका तक जो है वो पहुँच चुकी है। तो आपके उन्हीं सारी घटनाओं के, बिकॉज सबकी कहानियाँ सिमिलर होती हैं, सभी उनके पीछे वही टैक्टिक्स, वही डॉक्ट्राइन जो है वो काम कर रही होती है, तो आप प्रेरित होते हैं उन सभी चीज़ों से, प्रेरणा लेते हैं और उसको फिर आप अपने स्क्रीन प्ले के अंदर जगह देते हैं। तो ये भी वहीं से, उन्हीं चीज़ों से निकली है जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, आपने ये अपने आसपास घटित होते हुए देखा है। जी सर, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, अभी जो पूरा एक्सपीरियंस हुआ है फिल्म के रिलीज तक, ऐसे कुछ मुद्दों पे आगे फ्यूचर में भी कुछ प्लान है कि मूवीज बनाएंगे, या फिर लगता है कि नहीं अभी नहीं बिल्कुल उठाते रहेंगे? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्म का जो माध्यम है, जो विजुअल माध्यम होता है, वो जितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट किसी के भी दिलो दिमाग पे छोड़ता है और कोई माध्यम नहीं छोड़ता है। और फिल्म बहुत बड़ा माध्यम है समाज के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, बुराइयों को इंगित करना, अच्छाइयों को बताना। और बतौर ह्यूमन बीइंग हम सब लोगों की जिम्मेदारी हमारे समाज के लिए होती है कि ऐसे विषयों पे हम फिल्म बनाएं और लोगों तक लेके जाएं। और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि अभी जो ये फिल्म हम लेके आ रहे हैं, इस फिल्म को देख करके कुछ लोगों में निश्चित तौर से बदलाव आएगा। और अगर जो ऐसे युवा जिनको भटकाया जा रहा है और आतंकवाद की उस फैक्ट्री के वो कामगार बनने जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग भी देख करके समझ पाएंगे कि असल में किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, और उनमें से कुछ का हृदय परिवर्तन होता, तो ये मानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई होगी। जी सर, कई बार हम देखा है कि फिल्म के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है, तो हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ बताना चाहेंगे कुछ ऐसा स्पेशल स्क्रीनिंग कुछ दिल्ली में या कहीं कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं सर आप लोग कोई वीवीआईपी गेस्ट के लिए? देखिए नहीं, किसी वीवीआईपी के लिए या वीआईपी के लिए कोई स्क्रीनिंग हम लोग जो है वो नहीं रख रहे हैं, बिकॉज़ ये फिल्म हमने आम लोगों के लिए बनाई है, आम लोगों के बीच में इस फिल्म का प्रदर्शन होगा। हाँ, रिलीज से पहले कुछ एक दो स्पेशल स्क्रीनिंग्स हैं जो ज़रूर होने वाली हैं दिल्ली के अंदर, जिनकी डेट्स वगैरह के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए हैं, उन लोगों के लिए जिनके बीच में फिल्म जाने वाली है। उसमें से विशेष तौर से कुछ लोगों को इनवाइट किया है किसी एक खास वजह की वजह से, जो अभी क्योंकि ये चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं तो बहुत डिटेल्स अभी मेरे पास में नहीं है, लेकिन एक दो दिनों के अंदर ही हमारी कुछ स्क्रीनिंग्स जो हैं वो अलग अलग शहरों के अंदर प्लान होंगी और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर जो है स्टूडेंट्स के, बिकॉज युवा जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी इशू को दिशा देने में, उनके बीच में जाके उनके रिएक्शंस को कि वो किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि समवेयर वो ज़्यादा अवेयर होते हैं और भविष्य हैं वो देश का। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में इन फिल्म की स्क्रीनिंग्स होंगी। जी सर, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आखिर में जाते जाते सर, तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि दो थॉट से लोग चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म देखेंगे ज़रूर क्योंकि समाज का आईना होती है, कहते हैं फिल्म जो हम आजकल देख रहे हैं उसी पर फिल्म है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा भी हो सकता, प्रोपेगेंडा ही कह रहे हैं, तो दोनों तरह के व्यूअर्स हैं, कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों तरह के लोग फिल्म देखें और ये तय करें कि प्रोपेगेंडा है
या एक मनोरंजन और समाज की दशा और दिशा दिखाने के लिए बनाई गई फिल्म है, तो आएँ सिनेमा हॉल में जाएँ, सब दर्शक देखें और निर्णय करें कि कैसी फिल्म बनी है। देखिए मेरी यही कोशिश है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ फिल्म देखें और उसके बाद में फिर बताएँ कि ये फिर आपको ये प्रोपेगेंडा लगती है तो भी ठीक है और नहीं लगती है तो भी ठीक है, लेकिन आप ये फिल्म देखने के बाद में बात करें ताकि आपकी बात में वजन हो, आपके पास में क्रिटिसाइज़ करने के लिए सही पहलू मौजूद हो, तो उसके लिए इस फिल्म को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और बेस्ट विशेस फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू।